इंदौर के मलारगंज थाने में महिला को फोन पर धमकी, अश्लील मैसेज और रुपए मांगने का मामला आया सामने, जिसको लेकर 32 वर्षीय महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले एक सप्ताह से अननोन अलग अलग नंबरों से उसे लगातार कॉल किए जा रहे हैं, उसे अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं, साथ ही रुपयों की मांग की जा रही है। महिलाओं को अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मोबाइल पर मिले नंबरों और रिकॉर्डिंग के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुमानपुरा में राजराजेश्वरी माँ अंबिका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तथा शतचंडी महायज्ञ के आयोजन के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत रात्रि में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान भक्त मंडल राजपुरा तथा बजरंग युवा भजन मंडल गुमानपुरा के कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। आयोजन में भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने भी लगे। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं तथा पुरुष मौजूद थे। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर 100 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है। मंगलवार को देखने में आया कि तिरंगा फटा हुआ था और ऐसी ही स्थिति में लहराता रहा। यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने जब देखा तो नाराजगी जताते हुए आपत्ति जताई। तत्काल रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। यात्रियों की नाराजगी पर ध्वज बदला गया। इंदौर अवैध मादक पदार्थ को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिसके लिए पुलिस ने नार्को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नार्को हेल्पलाइन पर आई सूचना के आधार पर चंदनगर में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। उज्जैन में पति पत्नी और वो का विवाद सामने आया है, जिसमें पत्नी के पहले पति ने व्यक्ति का सिर फोड़ा, जिससे युवक पूरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल नरवर निवासी अंकलेश मजदूरी का काम करता है, जिसकी शादी 2 महीने पहले पवासा क्षेत्र में रहने वाली कीर्ति के साथ हुई थी, लेकिन कीर्ति अपने पहले पति के संपर्क में थी और उससे बात भी करती थी। युवक ने अपनी पत्नी को डांट लगाई, जिस पर पत्नी के पहले पति ने युवक की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पत्नी 25,000 रुपए की रकम और 60,000 रुपए नकद लेकर अपने घर चली गई। कसरावत के मुल्ठान में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों और आमजन की समस्याओं को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल ग्राम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों किसानों के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई, तो वहीं पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। बैतूल भैसदेही में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने सिवनी जिले में हुई आदिवासियों की निर्मम हत्या के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दोषियों को मिली फांसी की सजा देने की मांग की, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM भैंसदेही को ज्ञापन सौंप कर दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।